तो यहाँ पर देखिए हमारे सामने एक इलेक्ट्रिक केटल देख पा रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रिक केटल है वो हमारा पानी उगल नहीं रहा है, मतलब ये हमारा ऑन नहीं हो रहा है। इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, किस कारण से यह जो इलेक्ट्रिक केटल है वो हमारा काम नहीं कर रहा है? तो हम इस चीज़ को हम टेस्ट करने के लिए यहाँ पर देखिए मेरे सामने एक डिजिटल मल्टीमीटर की मदद से हम इसको रिपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए केटल में जो हमारा मेन जो बेसिक जो प्रॉब्लम आता है वो हमारा ये यहाँ पर जो कनेक्टर लगा हुआ है, ये जो कनेक्टर है ये हमारा कई बार हमारा जल जाता है, कई बार ये जो कनेक्टर है ये हमारा अंदर से ब्रेक हो जाता है। तो इस चीज़ को हम आज टेस्ट करेंगे यहाँ पर कौन सी कारण से हमारा जो इलेक्ट्रिक केटल है वो हमारा काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम इसको टेस्ट करने के लिए हम मल्टीमीटर को यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी में हम सेट करेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा मल्टीमीटर कंटिन्यूटी में सेट है, यार बीप की साउंड आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो कनेक्टर की एक ट्रैक है, तो इसे देखिए मैं इसमें टच करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर बीप की साउंड आ रहा है, मतलब यहाँ पर जो कनेक्टर की जो बाहर वाले जो कनेक्शन है वो हमारा देखिए यहाँ पर, तो देखिए कंट्रोड्यूस होकर इसका मतलब ये लाइन हमारा सही है। तो अब यहाँ पर अंदर वाली कनेक्टर को हम टेस्ट करेंगे। देखिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये वाले जो कनेक्टर की साइड में यहाँ पर हमारा कनेक्शन नहीं आ रहा है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कनेक्टर में हमारा जो प्रॉब्लम है ये हमारा कनेक्टर में ही प्रॉब्लम है। तो देखिए इस वाले साइड से हमारा कनेक्शन आ रहा है, लेकिन इस साइड से देखिए हमारा कनेक्शन नहीं आ रहा। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मेन जो प्रॉब्लम है वो हमारा कनेक्टर में प्रॉब्लम है। तो हम यहाँ पर कनेक्टर को हम पहले ओपन कर लेंगे, इसके बाद हम टेस्ट करेंगे किस कारण से हमारा कनेक्टर से हमारा यहाँ पर सप्लाई नहीं आ रहा। तो अब देखिए यहाँ पर जो कनेक्टर की यहाँ पर जो जितने सारे ट्रैक लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर इन सारे ट्रैक को मैं पहले यहाँ से रिमूव कर दूंगा। देखिए ऐसे करके हम यहाँ पे सारे ट्रैक को हम बाहर निकालेंगे पहले। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जितने सारे कनेक्टर है मैं इसको निकाल लिया। देखिए आप यहाँ पर दूसरे स्टेप में हम यहाँ पे जो मिनी प्लायर जो आता है जो हमारा, तो इसकी मदद से हम यहाँ पे इसके जो यहाँ पर जो नाट लगा हुआ है, मतलब तीन नाट लगा हुआ है, इन तीन नाट को हम निकाल लेते पहले। तो निकाल के आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो कनेक्टर है मैं इसको यहाँ पे बाहर निकाल लिया, कनेक्टर को मैंने यहाँ पे बाहर निकाल लिया। अब यहाँ पर मैं कंफर्म करने वाला हूँ आप लोगों को यहाँ पर जो कनेक्टर है वो हमारा सही में ख़राब है या फिर किसी और चीज़ की प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को हम टेस्ट करने के लिए यहाँ पर हम मल्टीमीटर का उपयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ पर मल्टीमीटर को मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए यहाँ पर हमारा बीप की साउंड आ रहा है, मतलब ये वाली जो लाइन है वो सही है, लेकिन देखिए यहाँ पर इसमें देखिए हमारा बीप की साउंड नहीं आ रहा है। और देखिए यहाँ पर तो ये वाली जो लाइन है वो हमारा ब्रेक के अंदर से, तो इसके कारण से यहाँ पर हमारा जो इलेक्ट्रिक केटल है वो हमारा ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इस कनेक्टर को हम रिपेयर कर सकते हैं या फिर रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इस कनेक्टर को रिप्लेस करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर जो रिप्लेस भी कर सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं। मैं इसको रिपेयर करके मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ ये जो कनेक्टर है इसको लगाने से हमारा जो इलेक्ट्रिक केटल है वो फिर से हमारा ऑन हो रहा है या फिर नहीं, इस चीज़ को मैं यहाँ पे आप लोगों को कन्फर्म कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए इसमें कौन सी प्रॉब्लम है, तो मैं आप लोगों को यहाँ पर अच्छे से दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर जो यहाँ पर देखिए ऊपर की और नीचे से हमारा यहाँ पर एक पिन से जैक से यहाँ पर लगा होता है, तो यहाँ पर हमारा ये जो जैक यहाँ से हमारा हिल चुका था इसके कारण से यहाँ पर हमारा कनेक्शन नहीं मिल रहा था। तो मैं यहाँ पर अच्छे से यहाँ पे प्रॉपर सोल्डिंग कर दिया। तो आप यहाँ पे मल्टीमीटर की मदद से हम यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पर जो कनेक्टर की मैंने सोल्डिंग किया था तो यहाँ पर कनेक्शन प्रॉपर मिल पा रहा है या फिर नहीं, तो इस चीज़ को मैं यहाँ पे कंफर्म कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर तो यहाँ पर मल्टीमीटर को मैंने यहाँ पर कंटिन्यूटी में सेट किया। देखिए यहाँ पर पहले हमारा यहाँ पर कनेक्शन दिखा रहा था लेकिन ये वाले में कनेक्शन नहीं दिखा रहा था। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें हमारा कनेक्शन नहीं दिखा रहा था। देखिए यहाँ पर
हम देखिए यहाँ पर हमारा, यहाँ पर भी हमारा कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो मेन प्रॉब्लम था, यहाँ पर हमारा जो कनेक्टर की जो नीचे साइड की जो लेग है वो हमारा डिले हो गया था, इसके कारण से यहाँ पर हमारा प्रॉब्लम आ रहा था। तो मैं यहाँ पे अच्छे से प्रॉपर यहाँ पे सोल्डिंग कर दिया। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ऐसे आपको भी ऐसे प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप इस चीज़ को आप ऐसे रिपेयर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे कनेक्टर को फुल सेटअप करके मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं कनेक्टर को यहाँ पे देखिए यहाँ पर असेंबल कर लिया। अब यहाँ पर हम टेस्ट करेंगे जो हमें खटेला है वो हमारा पूरी वर्क कर रहा है या फिर नहीं। तो मैं यहाँ पर मल्टीमीटर को यहाँ पर देखिए कंटिन्यूटी में सेट करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर मैं इस कंटिन्यूटी में सेट करने के बाद यहाँ पर देखिए कनेक्टर में देखिए यहाँ पर टेस्ट करने वाला हूँ। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर देखिए हमारा जो मल्टीमीटर में देखिए यहाँ पर एलईडी को मैं लो कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर कंटिन्यूटी शो कर रहा है। तो यहाँ से मैं स्विच को यहाँ पर ऑफ करता हूँ। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा कंटिन्यूटी नहीं आ रहा है। तो फिर से मैं यहाँ से ऑन कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा बीप की साउंड और कंटिन्यूटी भी शो कर रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो इस कनेक्टर की जो मेन प्रॉब्लम था, ये हमारा जो कनेक्टर की जो मेन जो बेसिक प्रॉब्लम था, तो इसको मैंने रिपेयर कर लिया। तो चलिए आज के लिए इतना, मिलते हैं अगले वीडियो में।